आज हम जो बिस्किट बनाने वाले हैं वो थोड़े हेल्दी है और इसे हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं आटे के बिस्किट। बिस्किट बनाने के लिए हम सबसे पहले घी और चीनी दोनों को अच्छे से फेंट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/3 कप घी। अब इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप पाउडर शुगर। इसे हमें थोड़ा फ्लफी हो जाने तक फेंटना है, इससे आपकी हाथों की थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। जैसे जैसे आप इसे फेंटते जाएंगे ये थोड़ा सा हल्का होता जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। 1 कप आटा लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप बेसन। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। अब इसमें जाएगा पिंच ऑफ सॉल्ट। अब इसे हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं। डो बनाने के टाइम पे हम जिस तरह से आटे को मलते हैं वैसे इसे नहीं मलना है, इस तरह से क्रम्बली टेक्सचर आना चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाते जाएंगे और एक सख्त डो रेडी करना है। टोटल 5 से 6 चम्मच ही दूध जाएगा। आप देख सकते हैं डो को मैंने मिक्स कर लिया और इसमें थोड़े थोड़े क्रैक आ रहे हैं, तो अब मैं इसमें थोड़ा दूध और मिलाऊंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बिस्किट का डो रेडी हो चुका है। यहाँ पे पैन में मैंने पहले से ही नमक को गर्म करने के लिए रख दिया था, इसमें मैं स्टैंड रख रही हूँ। इसे हम कवर कर लेंगे और 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक हम बिस्किट बना लेते हैं। बिस्किट बनाने के लिए हम सांचे का यूज़ करने वाले हैं। इसमें जो इस तरीके की प्लेट आती है इसे हम यूज़ करने वाले हैं बिस्किट बनाने के लिए। सांचे को इस तरह से ओपन करके इसके अंदर की सरफेस पे अच्छे से घी लगा देंगे। इसकी प्लेट पे भी थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। अब आटे के हम 2 हिस्से करेंगे। इसे हम लंबा लंबा रोल कर लेते हैं। इसे हम इस तरह से लंबा लंबा रोल करके मशीन में डाल देते हैं। अब इस तरह से हाथ रख के हम बिस्किट बनाएंगे। बिस्किट बेक होने के लिए तैयार है। कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे बेक कर लेते हैं। पर अगर आपके पास ये सांचा नहीं है तो हाथ से बिस्किट कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अब डो में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेके इस तरह से गोला बनाएंगे और एक फ्लैट सरफेस पे इस तरह से इसको प्रेस करेंगे। अब ग्लास की मदद से इसे हम फ्लैट कर लेंगे। अब एक फोक ले लेंगे और इस तरह से बीच में इम्प्रेशन बनाएंगे। इसी तरह से दूसरी बिस्किट्स भी रेडी कर लेंगे। बिस्किट बेक हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद करके बिस्किट को निकाल देते हैं। अब ये हाथों से बने बिस्किट्स को भी हम बेक कर लेते हैं। ये वाले बिस्किट्स भी बेक हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। क्रिस्पी और टेस्टी आटे के बिस्किट बनकर तैयार है। आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए देखते रहिए स्वाद अनुसार। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।